और बिहार में वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों के सरकारी अस्पतालों में पहुंचने का सिलसिला जारी है। विभिन्न सरकारी अस्पतालों में 946 वायरल बुखार से पीड़ित बच्चे इलाज के लिए पहुंचे, इनमें से 50 गंभीर बच्चों को अस्पतालों में भर्ती किया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वायरल बुखार से पीड़ित 78 बच्चे इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं। सूत्रों से पता चला है कि वायरल पीड़ित बच्चों की जांच में 2 डेंगू से संक्रमित पाए गए। वे बच्चे PMCH पटना में इलाजरत हैं। किसी भी बच्चे में चिकनगुनिया, मलेरिया या अन्य कोई बीमारी के लक्षण नहीं पाए गए। डेंगू और मलेरिया रोग से बचाव में सतर्कता रखना है। पूर्णिया जिले में इन दिनों वायरल की फीवर के बीच 25 बच्चों के सैंपल जांच के में कल 5 डेंगू और 3 मलेरिया के रोगी निकले। बाद में विभाग अब सतर्क हो गया है। इसके लिए विभाग ने जहां बचाव में छिड़काव का काम शुरू कर दिया है, वहीं अगर हम बात करें बचाव के लिए ज़रूरी जानकारी भी लोगों को दे रहे हैं। तो चूंकि बिहार में लगातार वायरल फ्लू जो है वो काफ़ी परेशान कर रहा है, बच्चों में काफ़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। एपिडेमियोलॉजिस्ट नीरज कुमार निराला ने बताया कि डेंगू या फिर मलेरिया जैसे रोग से बचने के लिए सावधानी जरूरी है। इन रोगों में अपने आसपास की सफाई पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि डेंगू मच्छर घरों के आसपास जमे पानी, टायर के टुकड़े जिसमें पानी जमने के बाद यूं ही रह जाता है, या फिर टूटे फूटे गिलास या फिर बोतल जिनमें पानी जमा रह जाता है, यह मच्छर का वाहक होता है। उन्होंने बताया कि इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये भी कहते हैं कि यदि कोई गड्ढा जिसमें पानी जमा रहता है तो वहाँ किरोसिन के तेल को डाल दें ताकि मच्छर नहीं पनपे। इसी तरह से मलेरिया रोग से बचाव में भी ज़रूरी जानकारी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार में अभी कुछ दिनों से लगातार बच्चों में वायरल फीवर की जो खबरें आ रही थी वो काफ़ी डराने वाली थी। लगातार बच्चों के बीमार होने के कारण अस्पताल के बेड तक फुल हो गए थे, डॉक्टरों की कमी हो गई थी, अस्पताल एक एक बेड पर 3-3 बच्चों का इलाज हो रहा था। ऐसे में जो भी पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो बच्चों को लेकर के काफ़ी परेशान हो रहे थे। और इसी बीच प्राथमिक स्कूल भी शुरू हो कर दिए गए थे, स्कूल की भी कक्षा चल रही थी। और ऐसे में बच्चे जब बीमार पड़ने लगे तो एक बार फिर से परिजनों के मन में डर पनपने लगा था। हालांकि अब डॉक्टरों ने कहा है कि इस बीमारी को पहचान लिया गया है, इसमें ज़्यादातर डेंगू और मलेरिया के मरीज हैं और ये बच्चों में बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। और इसके बचाव के लिए सभी माता पिता, सभी परिजन जो हैं वो अपने आसपास में साफ़ सफाई का ध्यान दें और बच्चों पर भी ध्यान दें कि वो कहाँ खेल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस जगह पर हैं, और जिस जगह पर रह रहे हैं उसके आसपास में साफ़ सफाई की व्यवस्था कैसे है। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर के हम आते रहेंगे। आप देखते रहिए बिग न्यूज़ 9।